हे गाइस, मोधेरा नामक एक सुदूर गांव में अविश्वसनीय ज्यामितीय पूर्णता के साथ बनाया गया एक बहुत ही अजीबोगरीब मंदिर है। यह मुख्य संरचना है और मैं यहां प्रवेश द्वार में कंपास लगा रहा हूं। चट्टानों के बीच इस मध्य रेखा पर इस संरेखण को देखें। ये बहुत ही अजीब है। यह पूर्व पश्चिम दिशा में पूरी तरह से संरेखित है। इसमें दशमलव के बराबर भी त्रुटि नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि प्राचीन काल में ऐसी पूर्णता कैसे संभव थी। यह मंदिर कम से कम 1000 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर में 3 मुख्य संरचनाएं हैं। मैंने आपको पहले ही मुख्य मंदिर का संरेखण दिखाया है। अब हम दूसरी संरचना की जांच करते हैं। यह दिलचस्प है क्योंकि प्राचीन बिल्डरों ने प्रवेश द्वारों में विशिष्ट पायदानों को चिन्हित किया है और जब हम फोन को उनके ऊपर रखते हैं तो संरेखण एकदम सही होता है। कोई त्रुटि नहीं है। यह 0° उत्तर पूर्ण उत्तर है। मैंने हर जगह पूरे मंदिर की संरचना की जांच की है और यह त्रुटि रहित है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस तरह की सटीकता केवल उन्नत तकनीक से ही हासिल की जा सकती है। यदि आप कंपास के इतिहास को नहीं समझते हैं तो यह आसान लग सकता है। आज हम दशमलव अंक के संरेखण को पूर्णता के साथ देखने में सक्षम हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं। लेकिन आइए 1000 साल पहले वापस जाएं। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों का कहना है कि हम आदिम कंपास का इस्तेमाल करते थे। लोडस्टोन या तरल में तैरती हुई कच्ची चुंबकीय सुई का इस्तेमाल करते थे। प्राचीन निर्माता 0.01% त्रुटि के बिना भी इस स्तर की सटीकता कैसे प्राप्त कर सकते थे। लेकिन इससे भी बड़ा एक सवाल है। ये इस बारे में नहीं है कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, बल्कि ये इस बारे में है कि ऐसा क्यों किया गया। इतना सटीक संरेखण क्यों आवश्यक था? मुख्य कक्ष को ठीक पूर्व की ओर क्यों इंगित करना चाहिए? पिछले 21 मार्च को ली गई इस तस्वीर को देखिए। यह सुबह सूर्योदय के समय लिया गया था। सूरज की पहली किरणें इन प्रवेश द्वारों के केंद्र से होकर गुजरती हैं और मुख्य कक्ष में चमकती हैं। यह घटना साल में केवल 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। पर क्यों? इन 2 दिनों में क्या खास है? उन्हें विषुव कहा जाता है। वे केवल 2 दिन होते हैं जहां दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं और वे दिन होते हैं जब सूर्य ठीक पूर्व की ओर उदय होता है। यह आपके लिए एक खबर हो सकती है क्योंकि आपने पहले सोचा होगा कि सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है, लेकिन यह सच नहीं है। यह दाएं और बाएं उगता रहता है, लेकिन केवल इन 2 दिनों में यह 0° पूर्व में उदय होता है। यही कारण है कि पूर्व की ओर पूर्ण संरेखण को विषुव पूर्व भी कहा जाता है। अब मूल रूप से मुख्य कक्ष के अंदर क्या था? सूर्य भगवान की एक मूर्ति, शुद्ध सोने से बनी और हीरे से जड़ी एक विशाल मूर्ति एक समय मुख्य कक्ष के अंदर खड़ी हुई थी। अतः जब सूर्य की पहली किरणें सूर्य की मूर्ति पर पड़ती तो पूरा कक्ष प्रकाशित हो जाता और चकाचौंध हो जाता। लेकिन एक और अविश्वसनीय रहस्य है जो यहाँ के स्थानीय लोगों को हैरान कर देता है। अगर आप 21 जून को दोपहर के समय इस मंदिर के दर्शन करेंगे तो आप चौंक जाएंगे क्योंकि मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती है। हाँ, मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ेगी। यह छद्म विज्ञान की तरह लगता है, लेकिन अगर आप इस विशेष दिन इस मंदिर में खड़े हैं तो आपकी खुद की छाया भी जमीन पर नहीं पड़ेगी। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हम एक शुद्ध वैज्ञानिक घटना की बात कर रहे हैं जो किसी अन्य प्राचीन मंदिर में नहीं होती है। यह केवल मोढेरा के सूर्य मंदिर में होती है। यह कैसे संभव है? क्योंकि इस मंदिर को जानबूझकर एक विशिष्ट रेखा पर बनाया गया था जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। अब कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा पृथ्वी पर सबसे उत्तरी रेखा या अक्षांश है जिस पर सूर्य सीधे सर के ऊपर दिखाई दे सकता है। इस रेखा से परे सूर्य कभी भी सीधे ऊपर की ओर दिखाई नहीं देगा। और अगर आप इस कर्क रेखा पर खड़े हैं तो 21 जून को आपकी परछाई धरती पर नहीं पड़ेगी। 21 जून में क्या खास है? यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है और सूर्य सीधे ऊपर की ओर चला जाता है और जमीन पर कोई छाया नहीं पड़ती है। यही कारण है कि इस दिन मोधेरा मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है। मुझे आशा है कि आप प्राचीन वास्तुकला के पीछे के चमत्कार को समझ रहे हैं। ठीक है, बिल्डरों ने दोनों महत्वपूर्ण सौर घटनाओं को शामिल किया है, विषुव और संक्रांति, पूरी तरह से विपरीत घटनाएं।
लेकिन दोनों की गणना की जाती है और इस मंदिर में मनाया जाता है। और आपको आश्चर्य हो सकता है कि प्राचीन बिल्डरों ने कर्क रेखा को सटीक रूप से चिन्हित किया था और यह देखकर उन्हें खुशी हुई कि यहाँ मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। लेकिन मानिए या ना मानिए, हम आधुनिक लोग भी ऐसा ही करते हैं। पूरी दुनिया में कर्क रेखा को चिन्हित करने वाले मार्कर और निशान हैं। आप इस साइन बोर्ड को देख सकते हैं और इसके ठीक बगल में आप ये दो पंक्तियां देख सकते हैं। इन दोनों के ठीक बीच में कर्क रेखा है और यदि आप 21 जून को दोपहर के समय यहाँ आकर इन दो रेखाओं के बीच खड़े हो जाएं, तो आपकी परछाई नहीं बनेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मोधेरा मंदिर में प्राचीन बिल्डरों ने क्या किया। यह मुख्य कक्ष की बाहरी दीवार है। इन दो पायदानों को देखें। इन दो पायदानों के बीच में कर्क रेखा की सटीक रेखा है और प्राचीन हिंदुओं ने इसे चिन्हित किया है, जैसे हम आज रेखा को चिन्हित करते हैं। इतनी सूक्ष्मता क्यों आवश्यक थी? क्योंकि दीवार के दूसरी ओर मुख्य कक्ष के अंदर ठीक इसी रेखा पर सूर्य की मूर्ति रखी गई थी। इसीलिए आज हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ सभी प्रकार के सटीक काम कर सकते हैं। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि कैसे प्राचीन बिल्डरों ने इन सभी खगोलीय विवरणों की सटीक गणना की। और इन सभी मार्करों के बारे में दिलचस्प हिस्सा, चाहे वे प्राचीन मार्कर हों या आधुनिक, वे अस्थायी हैं। जब उन्हें लगाया जाता है तो वे सही होते हैं, लेकिन समय कर्क रेखा को बदलता रहता है, तो मार्कर अभी सटीक होगा लेकिन अगले साल कर्क रेखा थोड़ी आगे बढ़ेगी। यह ग्रह के अक्षीय झुकाव के कारण है। मेक्सिको में एक हाईवे है, फेडरल हाईवे 83, जो वास्तव में दिखाता है कि कैसे कर्क रेखा हर साल चलती रहती है और इस बदलाव के हिसाब से पृथ्वी हर साल आगे पीछे डगमगाती भी है। तो आज कोई बुद्धिमान व्यक्ति मोधेरा मंदिर के स्थान को गूगल करेगा और कहेगा कि नहीं, यह मंदिर कर्क रेखा पर सटीक नहीं है। लेकिन मंदिर सटीक रूप से कर्क रेखा पर बनाया गया था। लेकिन इतनी सदियों के बाद कर्क रेखा काफी आगे बढ़ गई है। वास्तव में यदि हम गणना करें कि कर्क रेखा कब सटीक रूप से मंदिर के अक्षांश पर गिरी थी, तो हम मंदिर के निर्माण के सटीक वर्ष का पता लगा सकते हैं। और यह पुरातत्व संबंधी अनुमानों से बहुत पुराना हो सकता है। अब जानिए कि क्या है मोधेरा सूर्य मंदिर का उद्देश्य, इसे क्यों बनाया गया। शायद आप कहेंगे कि प्रवीण, तुम अजीब सवाल क्यों पूछ रहे हो, मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद क्यों बनाए जाते हैं? स्पष्ट रूप से भगवान की पूजा के लिए। यह आज सच है, लेकिन प्राचीन भारतीय मंदिर भी वैज्ञानिक कारणों से बनाए गए थे। दुनिया भर में कर्क रेखा के इन मार्कर्स के बारे में सोचें। क्या ये धार्मिक मार्कर हैं? नहीं, उन्हें क्यों बनाया गया है? हम दुनिया भर में कर्क रेखा को क्यों चिन्हित कर रहे हैं? इन चिन्हों के पीछे वैज्ञानिक कारण है। क्या ये संभव है कि मोधेरा मंदिर को भी किसी वैज्ञानिक कारण से मार्कर के रूप में बनाया गया हो? नहीं तो वे मंदिर को ठीक कर्क रेखा के ऊपर रखकर सूर्य को ही क्यों समर्पित करते? यह प्राचीन मार्कर हमें यह बता रहा है। इस मंदिर के उत्तर में सूर्य सीधे आपके सिर के ऊपर कभी नहीं दिखाई देगा, इसलिए यह मंदिर सबसे उत्तरी बिंदु को चिन्हित कर रहा है, जहाँ सूर्य ठीक ऊपर प्रकट हो सकता है। और आप सोच सकते हैं कि यह बकवास है, कौन परवाह करता है अगर सूर्य आपके सिर पर दिखाई नहीं देता है, है ना? नहीं, यह सब कुछ बदल देता है। इस रेखा के नीचे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यह रहने के लिए एक सुंदर जगह है, न केवल मनुष्य, पौधों और जानवरों के लिए। यह सब कुछ बदल देता है। इस रेखा के ऊपर यह इतना अच्छा नहीं है। यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं तो मौसम का आनंद लेने के लिए आप कौन सी अच्छी जगह जाना चाहेंगे? हवाई, है ना? पर क्यों? क्योंकि पूरा अमेरिका कर्क रेखा के उत्तर में है, सिवाय हवाई के, जो रेखा के नीचे है। यही कारण है कि आप प्यूर्टो रिको, कैरेबियन जाते हैं। ये सभी उष्णकटिबंधीय स्थान हैं जहां अच्छे मौसम हैं, अर्थात भगवान सूर्य की अच्छी कृपा प्राप्त करते हैं। पर क्यों? क्योंकि सूर्य सीधे आपके सर के ऊपर चमक रहा है। यदि आप इस रेखा से ऊपर हैं, तो सूर्य का प्रकाश आपको हमेशा कम कोण पर टकराएगा, इसलिए आपको कभी भी तेज धूप नहीं मिलेगी, क्योंकि सौर ऊर्जा कम तीव्रता के साथ फैलती है। लेकिन भारत में यह और भी दिलचस्प हो जाता है।
कर्क रेखा भारत को लगभग ठीक दो भागों में विभाजित करती है। इसके ऊपर उत्तर भारत है जो उष्णकटिबंधीय नहीं है। भारत के इस आधे हिस्से में कभी भी सूर्य सीधे सर के ऊपर नहीं पड़ता है और इस रेखा के नीचे दक्षिण भारत है जो एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय पौधों, जानवरों और विभिन्न जलवायु परिस्थितियों से भरा हुआ है। लेकिन इस मंदिर के मुख्य कक्ष में एक बड़ा रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या है। यह बंद है और आपको इसके माध्यम से देखना है, लेकिन आज यह पूरी तरह से खाली है। लेकिन नीचे देखें, आपको एक विशाल गड्ढा दिखाई देगा। यहाँ देखना मुश्किल है और मैं इसमें कुछ रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह काफी गहरा है। इसे 22 फीट गहरा बताया जा रहा है। मुख्य कक्ष के अंदर इतनी बड़ी भूमिगत संरचना क्यों है? मूल रूप से अंदर क्या था? जमीनी स्तर पर सूर्य देवता की एक विशाल मूर्ति थी जो कम से कम 7 फीट ऊंची थी, जो सोने से बनी हुई थी और हीरों से जड़ी हुई थी। लेकिन अगर यह सिर्फ एक नियमित मूर्ति थी तो उन्होंने भूमिगत होकर 20 फीट का गड्ढा क्यों बनाया? कुछ लोगों के अनुसार यह कोई नियमित प्रतिमा नहीं थी, बल्कि यह हवा के बीच में घूम रही थी। यह एक बहुत ही पेचीदा सिद्धांत है कि प्राचीन बिल्डरों ने एक मूर्ति बनाई जो न केवल हवा में तैर रही थी बल्कि जादुई रूप से मध्य हवा में घूम रही थी। लेकिन क्या यह जादू था या वे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे? आज हम इन चुंबकीय उत्तोलन उपकरणों को आसानी से खरीद सकते हैं जो वस्तुओं को मध्य हवा में घुमाने में मदद करते हैं। आप इस ग्लोब जैसी वस्तु को दो चुंबकों के बीच रखते हैं और वस्तु मध्य हवा में घूमने लगती है। अब हम समझ सकते हैं कि यह भूमिगत गड्ढा क्यों आवश्यक रहा होगा। इसने मूर्ति को मध्य हवा में घुमाने में मदद करने के लिए किसी प्रकार के विशाल चुंबकीय उपकरण को धारण किया होगा। लेकिन सूर्य को मध्य हवा में घुमाने के लिए इतनी पीड़ा क्यों उठानी पड़ी? प्राचीन भारत वह स्थान था जहां विज्ञान और आध्यात्म एक साथ मिलते थे। सूर्य मध्य अंतरिक्ष में तैरता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन सूर्य देव को हमेशा अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार क्यों दिखाया जाता है? वे कहां जा रहे हैं? इसका कोई मतलब नहीं है, है ना? हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, लेकिन प्राचीन लोग यह नहीं जानते थे और सोचते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसलिए उन्होंने अपनी गति दिखाने के लिए उन्हें रथ पर बिठाया, है ना? नहीं, सूर्य वास्तव में बहुत तेज गति से चल रहा है। यह लगभग 5,00,000 मील प्रति घंटे की गति से चल रहा है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। लेकिन अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि सूर्य भी मिल्की वे आकाशगंगा के चारों ओर घूमता है। लेकिन सूर्य देव को घूमता हुआ क्यों बनाया गया था? क्या सूर्य घूमता है? सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है। यह तब देखा जा सकता है जब आप इसकी सतह पर सौर धब्बों की गति को देखते हैं। प्राचीन बिल्डरों ने न केवल यह देखा कि यह घूमता है, उन्होंने इसके घूमने की गणना भी की। पूरा मंदिर सूर्य के विज्ञान के प्रतीकों से भरा है। इस कुंड में 28 सीढ़ियां हैं, जो सूर्य द्वारा स्वयं का एक चक्कर लगाने के लिए लिए गए 28 दिनों का प्रतीक है। इस सरोवर में कुल 108 छोटे मंदिर हैं। मैंने 108 नंबर और उसके सूर्य से संबंध के बारे में एक पूरा वीडियो बनाया है, आप इसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस मंदिर में प्रतीकवाद बहुत अनोखा है। वर्ष के 52 सप्ताहों के प्रतीक इस हॉल में कुल 52 स्तंभ हैं। बाहर 12 सूर्यदेव खुदे हुए हैं जो वर्ष के 12 महीनों का प्रतीक है। वर्ष के 365 दिनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुल 365 हाथियों की नक्काशी की गई है। भगवान सूर्य को 2 पत्नियों के साथ दिखाया गया है, संध्या जिसका अर्थ है प्रकाश और छाया जिसका अर्थ है परछाई। प्राचीन बिल्डरों ने सूर्य के 7 घोड़ों को इंद्रधनुष के 7 रंगों में रंगा था। सदियों पहले न्यूटन ने यह खोज की थी कि सफेद रोशनी 7 अलग अलग रंगों से बनी है। वास्तव में जब आप सोचने लगेंगे तो आप चकरा जाएंगे कि सूर्य के बिना कोई भी जीवन संभव नहीं है। पौधे, जानवर, मौसम, दिन और रात, घंटे, मिनट, सब कुछ इसी एक चीज पर निर्भर करता है। हम शायद किसी अन्य भगवान के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन यह सूर्य भगवान हमारे अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है। और मुझे उम्मीद है कि मोढेरा के इस मंदिर ने आपको सूर्य के बारे में कुछ मूल्यवान जानकारी दी होगी। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।